हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि जो असिस्टेंट कमांडेंट की रिक्रूटमेंट आई है यूपीएससी की तरफ से, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है ग्रेजुएट डिग्री। आप किसी भी विषय में अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसी आई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, CRPF में, CISF, ITBP, SSB, टोटल 209 अलग अलग पोस्ट हैं यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट की। ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास है तो इसका फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। बहुत अच्छी पोस्ट होती है कमांडिंग ऑफिसर की, तो इसका फॉर्म आप लोग अप्लाई जरूर करिएगा। वीडियो में कमेंट करके अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये जरूर बताइए कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम, जिले का नाम, स्टेट का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके एरिया की जो है वैकेंसी वो कवर कर सकें। इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस की अपडेट आपको घर बैठे मिलती रहे फ्री में। सबसे पहले यूपीएससी की तरफ से ये विज्ञापन जो है सरकार की तरफ से जारी किया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया है, पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट की। और इस पर जो आपका सिलेक्शन होगा, इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम भी होगा, आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, साथ ही साथ इसमें जो है आपका इंटरव्यू भी होगा। पांच अलग अलग डिपार्टमेंट में, BSF में, CRPF, CISF, ITBP और SSB में ये जो है वो रिक्रूटमेंट आई है। और ये जो आपकी स्क्रीन पर अलग अलग शहरों के नाम दिख रहे हैं, ये सब एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। तो आप जहां भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में इसको जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें सबसे पहले मैं आपको एज की बात करूँ तो एज इसमें कम से कम आपका 20 ईयर्स जो है आपका एज होना चाहिए। 20 साल से कम उम्र के कैंडिडेट इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट आपकी 25 वर्ष है एज ऑन 1 अगस्त 2020 के हिसाब से। आपकी एज जो है वो 25 वर्ष से ज़्यादा की आपकी एज जो है वो नहीं होना चाहिए। तो एज का विशेष ध्यान रखिएगा जो भी कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे, ग्रेजुएट कैंडिडेट। और फॉर्म अप्लाई जरूर करिएगा दोस्तों, आपको पता होगा इस वायरस और लॉकडाउन इन सब की वजह से गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम आ रही है, इसलिए जब भी इस तरह के चांस आपको मिलते हैं तो फॉर्म इसका आप अप्लाई जरूर करिएगा। इसमें अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ₹200 का यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना है जनरल और OBC कैंडिडेट को। SC ST और महिलाओं के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म फ्री रहेगा। इस पर जो होगा आपका सिलेक्शन होगा रिटन एग्ज़ाम के माध्यम से, जो कि होगा आपका 20 दिसंबर 2020 को आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का 250 नंबर का पेपर रहेगा। उसके बाद जनरल स्टडीज़ ऐसे एंड कॉम्प्रहेंसन, इसका 200 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो होगा। सेकेंड आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपकी 100 मीटर की रेस है, 800 मीटर की रेस है, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट, चार तरह का फिजिकल टेस्ट यहाँ पर होगा। लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा जो कि 150 नंबर का रहेगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका आपके रिटन एग्ज़ाम के आधार पर और इंटरव्यू पे आपके जितने नंबर आते हैं उसके माध्यम से यहां पर आपका जो है वो फाइनल सिलेक्शन होगा। फॉर्म इसका आप अप्लाई कर दीजिए। कुछ फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बताइएगा, जो भी पूछना हो कमेंट पर जाकर के आप जो है वो पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। फॉर्म भरने इसके स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 7 सितंबर 2020 है। इसका आवेदन करने कुछ पूछना हो तो कमेंट पर जाके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।